वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड इन माई यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। देखिए, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो 12th NCERT से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर से है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लाइफ स्पान क्या है। देखिए, तो लाइफ स्पान की बात करते हैं तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू दी नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। यानी कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसे हम लाइफ स्पान बोलते हैं। और लाइफ स्पान सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका अलग अलग होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से लाइफ स्पॉन जो है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि पैरेट और क्रो का साइज लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन फिर भी इनका लाइफ स्पॉन अलग अलग है। हम आगे चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से। तो वाट एवर बी द लाइफ स्पॉन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इज ए सर्टेनिटी। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि कोई भी जीव है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक कोष की जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। यानी कि जन्म होगा, ग्रोथ होगा और बाद में ऑर्गेनिजम्स की मृत्यु स्वाभाविक है। चलिए आगे हम देखते हैं इस चैप्टर को। तो ये देखिए, यहाँ पे एलिफेंट है जिसका कि यहाँ पे साइज दिया गया है ईयर्स 60 से 90 ईयर्स है। रोज़ की बात करते हैं 5 to 7 ईयर्स। देन डॉग्स 20 to 50 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। क्रो 15 ईयर्स। देन बनियन ट्री 25 ईयर्स। काउ 20 to 25 ईयर्स। पैरट 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स 60 ईयर्स। और फ्रूट फ्लाई 30 ईयर्स। देन हम राइस प्लांट की बात करते हैं तो 3 to 4 मंथ्स। टर्टवाइज 100 to 150 ईयर्स। और बनियन ट्री 200 ईयर्स। तो ये अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान दिया गया है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, तो इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन को परिभाषित करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ। ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। तो यह साइकिल, दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। देखिए, रिप्रोडक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी जीव है बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत उसमें अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो फिर ग्रो करती है, मैच्योर होती है और न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फिर क्या होता है कि बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, इसके आगे प्रोसीजर होता है। तो रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, में ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है जनरेशन टू जनरेशन। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू रिप्रोड्यूस। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए, यानी कि ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के बेस पर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन को दो तरीके से हमने यहाँ पे क्लासीफाइड किया है। वैन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। देखिए, जब क्या है कि जब एक ही ऑर्गेनिज्म से जब गैमिट का फॉर्मेशन बिना गैमिट के फॉर्मेशन से जो यहाँ पे
जब न्यू ऑफस्प्रिंग का जनरेशन होता है तो हम उसको एसेक्सुअल कैटेगरी में रखते हैं। फिर क्या है, व्हेन टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड इवॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है और मेल और फीमेल गैमिट यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इस प्रोसेस में। चलिए हम देख लेते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार से इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी ये सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स होता है जो कि ऑफ स्प्रिंग के प्रोड्यूशन के लिए कैपेबल होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, एज दीज ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे दी गई है, ये लिखा है कि जो क्लोन है यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो यहाँ से स्पीसीज बनेंगी वो जो है बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे, अपने पेरेंट्स के क्लोन होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। बडिंग में ये बडिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है और यहाँ से ये देखिए आउटग्रोथ निकल रही है और यहाँ से इंडिविजुअल नया जनरेट हो जाएगा, यानी कि एक ही पेरेंट से इंडिविजुअल को जनरेशन होगा। फिर दूसरा है अमीबा में, ये आप देख रहे हैं अमीबा जो है यहाँ पे बाइनरी फिजन से अमीबा में एक अमीबे से देखिए दो यहाँ से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरास द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइडेड इंटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। अब देखिए, इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड, इट इज इट सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन वेयर ए सेल डिवाइड इंटू टू हेल्प्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इंटू एन एडल्ट, ऐसे अमीबा और पैरामीशियम में। जैसे कि हमने फिगर में बताया कि यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वहाँ से बाइनरी फ्यूजन होकर के नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन ईस्ट डिवीजन अनइक्वल और स्मॉल बर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनइक्वल और स्मॉल बर्ड्स एंड प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड एंड मैच्योर इंटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स। तो इस तरीके से नया ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं जू स्पोर। द मोस्ट कॉमन ऑफ द स्ट्रक्चर जू स्पोर दैट यूजली आर माइक्रोस्पोर मोटाइल स्ट्रक्चर। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉनिडिया, जो कि पेंसिलियम में होता है, और बड्स जो कि हाइड्रा में होता है, और जेम्यूल स्पंज में होता है। आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगसली इन प्लांट्स। द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्लांट्स। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच ए रनर राइजोम सकर ट्यूबर ऑफसेट एंड बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। यानी कि इसमें निश्चित रूप से एक ही पेरेंट्स के द्वारा यहाँ से ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। यानी कि साधारण जंतुओं में एसेक्सुअल का शब्द का यूज़ हम जनरली करते हैं, लेकिन जो प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज़ हम फ्रिक्वेंटली करते हैं,
यहाँ से इसका ये मतलब दिया बताया गया है कि जंतुओं और अन्य साधारण जीवों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पष्ट रूप से प्रयोग तथा पादपों में पौधों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद वंदे मातरम।